लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर कार्रवाई का दूसरा दिन है। प्रशासन को 1100 अवैध घरों और दुकानों पर एक्शन लेना है। दूसरे दिन की कार्रवाई की 35 सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। बुलडोजर गरज रहा, पूरे इलाके का ध्वस्तीकरण का काम करेंगी। अतिक्रमण ढह रहा, ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है। लखनऊ के अकबरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। कुकरेल की जमीन पर बसे अकबर नगर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। गलियों तक बुलडोजर ले जाने के लिए सबसे पहले कमर्शियल इमारतें तोड़ी जा रही हैं। अकबर नगर में बुलडोजर चलाने का अभियान चल रहा है। ये कार्रवाई दो शिफ्ट में की जा रही है, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर दिन में 3 बजे से रात 8 बजे तक अवैध मकानों को ढहाया जा रहा है। ये एक्शन ऐसे अगले 20 से 25 दिन चलेगा, क्योंकि प्रशासन को 1100 अवैध घरों पर एक्शन लेना है। अभियान के दौरान पल पल की निगरानी के लिए सड़क और गलियों में 35 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कल से राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में लोकसभा चुनाव के दौरान इस अभियान पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से कुकरेल की जमीन पर बसे अकबर नगर में LDA का बुलडोजर गरजने लगा है। सोमवार सुबह 7 बजे से इस पूरे अभियान की शुरुआत हुई है और पल पल की निगरानी के लिए सड़क और गलियों में 35 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। जो LDA की जो पूरी टीम है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। 6 पॉकलेन और 16 बुलडोजर से घर ढहाने का काम किया गया। बैरिकेटिंग कर इलाके को सील कर दिया गया था। किसी तरह का हंगामा ना हो इसलिए PAC RAF की 8 कंपनियां मौके पर तैनात हैं। क्यों की जा रही कार्रवाई? कुकरेल नदी के किनारे अवैध मकान बने हुए हैं। यहां बने अवैध मकानों दुकानों को तोड़ा जा रहा है। लोगों को घर खाली करने के लिए चेतावनी दी गई थी, कुछ लोगों ने घर नहीं खाली किया, अब एक्शन हो रहा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अकबर नगर में कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में LDA ने लोगों को हटाने के लिए 3 महीने का समय मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।